मैंने एक प्याज और एक हरी मिर्च ले ली है, तो चलिए इसे ना चॉप कर लेते हैं बिग बिग से। तो मैंने इसे चॉप कर दिया हरी मिर्च, साथ ही प्याज को भी आप आपके पास कोई और वेजिटेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने प्याज और एक हरी मिर्च को चॉप कर लिया। तो एक प्याज लेना था मैंने के चॉप कर लिए, तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें मैं ले लूँगी सूजी। तो मैंने ये सूजी ले लिया, इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो आज मैं बनाई है दाल, तो मैं इसमें से थोड़ी सी ना दाल निकाल लेती हूँ, बस मैं इतनी सी निकाल लूँगी। तो अब इस बैटर में ना, ये जो बैटर मैं बना रही हूँ, इसमें मैं ये दाल को मिक्स कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी नमक मिर्च है इसमें तो नहीं डालेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट छोड़ देंगे। तो इसे हम कवर कर देते हैं और इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलिए थोड़ी देर हो गई है, तो इसे देखते हैं। टमाटर थोड़ा हार्ड हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको एक अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 मिनट और रख देते हैं। तो मैंने बेसन ले लिया है, तो इसमें से 2 चम्मच बेसन को इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच बेसन इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पिंच सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। और चलिए इसको हम अच्छी तरह से बैटर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसे ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा मसाला है इसमें और एक थोड़ी सी इसमें चिल्ली फ्लेक्स। तो इसको थोड़ा सा एक बैटर सा तैयार कर लेते हैं इसका, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से। तो चलिए अब इसका तैयार करते हैं पूरा। तो चलिए तवा रखते हैं, मैं गैस ऑन कर दिया है, मैं तवा रख दिया है। तो चलिए हम बनाते हैं मस्त पूड़े। तो
तवा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा मैं इस पर लगा देती हूँ, तला देते हैं। तो अभी जो बैटर बनाया है इसको ऐड कर देते हैं, इसको हाथ से चला देंगे। तो ये दाल से मैंने इसको थोड़ा देर पकने देते हैं। इसकी साइड पे थोड़ा सा घी लगा देते हैं, उसे हल्के हल्के गैस पे कर देंगे सिम। इसे हल्का हल्का सा इसके हाथों से इसे इसे हल्के हल्के से चला देंगे। ये हमारी दाल के पूरे बन रहे हैं, हमने दाल से बनाए हैं, देर से पकने नहीं देते हैं, बहुत ही गुलाबी गुलाबी से तैयार हो रहे हैं। मैं बना रही थी पूरे, आज दाल के पूरे बना रही हूँ, दाल बनाई थी तो उसी के बना रहे हैं। तो चलिए इसे उतार देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे घी, इसको उतार देते हैं, क्रिस्पी होने तक रहने देंगे थोड़ी देर, ताकि मच्छे से कुरकुरे से हो जाएं। इसे क्रिस्पी कर लेते हैं थोड़ा सा दबा के। चलिए इसे उठा लेते हैं, वाओ तैयार हो गया, इसे निकाल देते हैं बाहर, बहुत ही क्रिस्पी पूरा तैयार हो गया है मेरे। तो चलिए और डाल लेते हैं, चलिए और ऐड कर देते हैं इसमें। तो चलिए हम इसे फैला लेते हैं, तो इसे भी पक लेने देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसे धीरे धीरे पक रहे हैं। तो चलिए इसे उठा लेते हैं, इसे पकने देंगे। इसके थोड़ा सा घी लगा रहे थे, तो पूरा मेरा तैयार हो रहा है क्रिस्पी क्रिस्पी सा। तो चलिए ये भी तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं, थोड़ा हिला लेते हैं उल्टा पुल्टा करके। तो चलिए अभी से निकाल देते हैं बाहर, तो पूरे हो गए तैयार, चलिए इसे भी निकाल देते हैं बाहर, और पूरे हो गए रेडी। तो ये अम्मी से पूरे हो गए तैयार मेरे, वाह दाल के पूरे।